हाँ तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच बताने वाला हूँ चुनाव का पोस्टर कैसे बनाते हैं। तो आप भी इस तरह का इलेक्शन का पोस्टर बनाना चाहते हैं चुनाव का, तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो में आप लोग को शुरू से लेकर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस प्रकार इस तरह का पोस्टर बनाते हैं। तो यदि आप इसे मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो उसका PLP फाइल दे दूंगा और इसका PHD फाइल भी दे दूंगा, ताकि आप लोग इस तरह का पोस्टर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने फोटोशॉप में आ चुका हूँ और अपने हिसाब से आप ब्लैंक पेज ले लेना है और उसके बाद यहाँ पर रेक्टेंगल टूल में क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। तो और यहाँ पर इसका फिल डाल देता हूँ रेड कलर का, और इस प्रकार से यहाँ पर रेक्टेंगल डालने के बाद यहाँ पर लिखना है। तो आप यहाँ पर जो भी मैटर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ से कॉपी करके रखा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ। तो ये भाई हमारा एक नेपाल से हैं, तो उनका पोस्टर बनाना था। तो आप जहाँ का भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं और जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट का कलर वाइट कर लेता हूँ ताकि लाइटिंग करे, और इसे मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये फॉन्ट हमें ठीक नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये वाला फॉन्ट हमें ठीक लग रहा है, तो इसे मैं यहाँ पर ओके करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर इसे एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये एडजस्ट हो चुका है। तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नीचे में लिखूँगा, तो नीचे के लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट कॉपी करके रखा हूँ, तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और दोनों को एक ही फॉन्ट में नहीं लिखना है, ताकि आपका पोस्टर अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो यहाँ इसको चेंज कर देता हूँ, तो इसे मैं चेंज कर देता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर दूँगा। तो अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लिखना है, तो आपको यहाँ पर जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर बीच में स्पेस डाल के मैं तीनों को तीन जगह पे कर देता हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि इस तरह का पोस्टर कैसे बनाया जाता है। और यहाँ पर फॉन्ट का कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से मैं फॉन्ट का कलर येलो ले लेता हूँ, ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। तो चलिए यहाँ पर येलो लेके ओके करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना है जो उम्मीदवार हैं, तो उसके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ उसका पार्टी का नाम। तो ये स्वतंत्र उम्मीदवार है, तो ये स्वतंत्र उम्मीदवार यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। और उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे देखने में। और इसका फॉन्ट कलर भी चेंज करूँगा। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर इसे मैं ग्रीन कर दिया हूँ, डार्क ग्रीन में, ताकि थोड़ा लाइटिंग करे। और उसके बाद यहाँ पर एक टेक्स्ट टूल लेता हूँ, और यहाँ पर लिखना है वो जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उस एरिया का नाम लिखना है। तो ये इसका मैं कॉपी करके रखा हूँ, तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया हूँ और इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। तो एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, अपने हिसाब से आप जो भी फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, जो भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं अपने हिसाब से। आपका PC में जो भी फॉन्ट रहेगा तो वो यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है फॉन्ट, तो आप फॉन्ट हमसे परचेस कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट आप हमसे ले सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देता हूँ। और इसको फॉन्ट कलर चेंज करूँगा, तो फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं फॉन्ट कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये हमारा फॉन्ट कलर चेंज हो चुका है। और इसके बाद अब इसे मैं यहाँ पर ऊपर में एडजस्ट कर देता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए। और इसको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करके यहाँ से इसे एडजस्ट कर देता हूँ, नीचे भी जगह होना चाहिए उसका नाम वगैरह लिखने के लिए। उसके बाद फिर से रेक्टेंगल टूल में क्लिक करना है
और उसके बाद नीचे में एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ और इसका कलर कर देता हूँ अपने हिसाब से। जो भी कलर करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो भी आपका अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर पिंक कलर रखूँगा। आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो चलिए मैं यही ब्लू वाला रखता हूँ, बाद में देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर फाइल में जाना है और फ्लैश एम्बेडेड में क्लिक करके हम जो फ़ोटो को एडिट करके रखे हैं, तो इस फ़ोटो को ले लेता हूँ। तो ये कैंडिडेट हैं, तो इनका फ़ोटो मैं यहाँ पर नीचे कर देता हूँ ताकि ये लेयर के नीचे आ जाए। और इसे मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, ये टेक्स्ट यहाँ पर झका गया है तो इसे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद इसे छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्ह का कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि एक ही कलर में ठीक नहीं लगे देखने में। तो यहाँ पर चुनाव चिन्ह का कलर मैं रेड कर दिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं चुनाव चिन्ह का जो इसे एडजस्ट करके इसका चुनाव चिन्ह जो है वो उसे मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। तो ये है बैडमिंटन का छाप, तो इसे मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। और इसका मैं यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ। अब उसके नीचे मैं लगा देता हूँ। और इसके बाद इस चुनाव चिन्ह का नाम लिखना है, तो इसको नेपाल में कर्क छाप कहा जाता है, तो इसलिए कर्क छाप लिखा हूँ। हमारे यहाँ बिहार में इंडिया में इसे बैडमिंटन इंग्लिश में बोलते हैं, और उसके बाद इसके हिंदी में कॉक बोला जाता है। तो उसके बाद इसको फॉन्ट चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। और इसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ। आप जो भी अलग अलग फॉन्ट का अलग अलग कलर में कलरिंग कर सकते हैं ताकि आपका जो पोस्टर है अच्छा लगे देखने में। उसके बाद यहाँ से प्लस एम्बेडेड में जाता हूँ और इसका जो स्वास्तिक वाला ये चिन्ह है इसको लगा देता हूँ। तो इसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ राउंड सर्कल में सिलेक्शन टूल से लेकर के, और इसे मैं यहाँ से कट कर लूँगा कंट्रोल एक्स दबा करके। तो कंट्रोल एक्स नहीं दबा रहा है तो यहाँ पर रेस्टराइज लेयर में जाकर क्लिक कर देना है, उसके बाद कंट्रोल एक्स दबाना है, उसके बाद वो कट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल भी दबाना है। यहाँ पर कीबोर्ड में जो जो बटन हम दबाते हैं तो यहाँ पर कॉर्नर में आपको देखने को मिलेगा, तो आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होगा। तो उसके बाद यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जा कर के इसका स्ट्रोक लगा देता हूँ ताकि अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पर ब्लैक कलर का मैं स्ट्रोक ले लेता हूँ और इसका जो है यहाँ पर नंबरिंग साइज छोटा कर देता हूँ ताकि लाइनिंग पतला रहेगा तो और अच्छा लगेगा देखने में। तो अपने हिसाब से आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, मेरा ये नहीं कि मेरा ही जैसा बनाओ, तो आप इसमें अलग चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ से इसे राउंड सर्किल में घेरूंगा। तो राउंड सर्किल में घेरने के लिए यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से इसको यहाँ पर स्ट्रोक में फिल डाल देता हूँ ब्लैक का। इसके बाद यहाँ से बढ़ा देना है और इसको मैं अपने हिसाब से जो भी कलर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं ऑरेंज कलर ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से कॉर्नर को राउंड करने के लिए यहाँ पर जो है जितना नंबर में लाना हो अपने हिसाब से ला करके उसके बाद इंटर दबाएंगे तो ये कॉर्नर राउंड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जितना राउंड करना हो उतना राउंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया है, अब मेरा जो यहाँ पर डिजाइन है थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसके बाद मैं इस सारे को सिलेक्ट करके ऊपर करता हूँ ताकि दोनों का लेवल बराबर हो जाए। तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है, तो ये नीचे वाला मेरा लेयर जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया था ब्लू कलर का वो गायब हो चुका है, तो इसे मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद आप मैं कलर इसको चेंज कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी कलर करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं।
और उसके बाद मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल और ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पर मैं फिर से रेक्टेंगल टूल में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा बड़ा सा, ताकि इसमें उसका डिटेल लिखूँगा, उसका नाम लिखूँगा। ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ और उसके बाद टेक्स्ट टूल में जाना है, उसका नाम वगैरह यहाँ पर लिख देना है। तो मैं यहाँ पर कॉपी करके रखा हूँ, तो इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया हूँ और इसका कलर वाइट कर देता हूँ, ताकि जो ब्लू में वाइट थोड़ा लाइट ज़्यादा लाइटिंग करे। और इसे मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। थोड़ा सा छोटा करने के बाद उसका नाम का जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, नाम का टेक्स्ट को भी मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद इसका नाम का जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, अब हमारा पोस्टर थोड़ा ठीक लग रहा है। उसके बाद इसके नीचे में उसका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, डालना हो तो, और नहीं भी डालना है तो नहीं डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मोबाइल नंबर डालना ही है। तो इसे एडजस्ट करने के बाद उसके नीचे मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो उसका मोबाइल नंबर भेजा था, तो मैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। और इसका कलर मैं यहाँ से येलो कर दूंगा और इसका साइज जो है टेक्स्ट का भी फॉन्ट भी चेंज कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ से उसका कलर भी चेंज कर दूंगा। तो यहाँ से येलो कलर ले लेता हूँ मैं। उसके बाद इसे छोटा कर देता हूँ, ताकि एडजस्ट हो जाए उतना सा जगह में, और इसे एडजस्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया हूँ पिंक कलर का, तो इसमें कुछ टेक्स्ट लिखना है। तो इसका जो टेक्स्ट दिया है तो वो टेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख दूँगा। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसका पेस्ट कर देता हूँ। नेपाली लैंग्वेज में है भाई, मुझे भी समझ में नहीं आता है क्या क्या है, इसका मतलब क्या होता है, बट मैं पोस्टर बना देता हूँ जो भी लैंग्वेज का हो। मैं उसको यहाँ पर जो भी लिख करके दोगे तो वैसा वैसा मैं लिख करके बना दूँगा पोस्टर, लैंग्वेज कोई सा भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं पोस्टर बना देता हूँ। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पर नीचे में सेट कर दिया हूँ। और उसके बाद ये देखिए, अब नेपाल का फ्लैग ऐड करूँगा मैं। तो यहाँ पर फाइल में जाना है, तो चलिए मैं यहाँ पर फाइल में क्लिक करता हूँ और प्लेस एम्बेडेड में क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ से नेपाल का जो फ्लैग है इसे मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया हूँ, और उसके बाद यहाँ पर एडजस्ट कर देना है अपने हिसाब से, ताकि लगे कि नहीं ये नेपाल का है। और इसे मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ कॉर्नर में, ताकि मुझे किसी को भी पता चले कि नहीं ये डिज़ाइन मैं क्या हूँ और मेरा नंबर है। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने हिसाब से जो भी कलर को कलरिंग चेंज करना हो कर सकते हैं, जो भी आपको माइंड में आए कि ये इसको चेंज करना चाहिए तो ये कर सकते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं जब भी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए और आप वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताएं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं कोई भी समस्या हो तो। हाँ तो दोस्तों, इसी प्रकार टेक्नोलॉजी और ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।